हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, अभी का शुरुआत कर रहा हूँ जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर, और आज जाने का प्लान है जैसलमेर फोर्ट के जस्ट पास में ही है डेजर्ट। बाइक एंड ऑन रेंट आपको कम 30 रुपये में इधर से बाइक मिल जाएगी, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे होंगे 9414-15-0033, और ये सारी बाइक अवेलेबल मिल जाएगी। फिलहाल तो हमने ले लिया, रसीद कटा दी, 500 रुपये की है पर डे, और एडवांस में देना पड़ता है, इनके पास 4 रुपये तो दे दिया है। उसके बाद में हम चलते हैं हेलमेट लेके कुलतरा की तरफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। सड़कों पे कोई भी नहीं है और आसपास में पेट्रोल पंप भी नहीं है, पहले पेट्रोल की टंकी करा। भूतों की नगरी कुलतरा 5 किलोमीटर है इधर से, 5 किलोमीटर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भूतों की नगरी। यह है कुलतरा गांव, बताते हैं इधर आओ तो आप बाहर की तरफ ही आपको मिलेंगे कुलतरा वाले बच्चे, जो आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। मजा लो, देखो आप कुलतरा गांव में आओगे तो दादाजी बीन सुन के जाना, काफी शानदार बजाते हैं बीन। फिलहाल तो हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो इधर आके। उसके बाद में अंदर चलते हैं, एंट्री ले ली 70 रुपए लगे, 50 रुपए तो व्हीकल्स के और 20 रुपए हम दोनों के। फिर मैं पार्किंग में लगा दी, अब जाए भाई जी। है विष्णु भगवान का मंदिर, ऐसे गांव स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गांव है, पूरा रातों रात बोलते हैं कि खंडर हो गया था ये जो गांव है कुलतरा, और सबसे हॉन्टेड प्लेस। में रात को कोई नहीं रुक सकता, मुझे नहीं लगता इतना हॉन्टेड प्लेस है, इतना कोई डरावना नहीं है इसमें। तो आगे से और जाके जाते जाएंगे जैसे ही पता चलता जाएगा क्या डरावना चीज़ है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ इसकी छत पे, छत पे आप देख सकते हो मैं इस रूम के अंदर ही खड़ा हूँ, एक खिड़की है, खिड़की के अंदर खड़ा हूँ, और वो है इलाका तेरा होगा, धमाका मेरा होगा उस हिसाब से है। देखो गाइस, ये छत है, किसी के घर में घुस गया ये देख सकते हो, ये पीछे की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ कुलतरा के विलेज के अंदर, और किसी के घर में घुस रहा हूँ, ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा खंडित हो गया है। ये गांव 300 सालों से श्रापित है, देख सकते हो पूरा का पूरा खंडित है, जिसने भी अभी तक बसने की कोशिश की वो अपनी जान गंवा चुका है। और इधर फिल्म की काफ़ी शूटिंग हुई है, भूतों की भी शूटिंग हुई है इधर, भूत फिल्म की काफ़ी शूटिंग हुई है इधर, तो वहाँ के टेंट लगे हुए हैं वो भूतों की शूटिंग के हैं। अभी जा रहा हूँ मैं ये विलेज के अंदर के गाँव के में, ये देखो पूरा का पूरा खंडित है, दूर तक फैला हुआ है ये गाँव। इसका टाइमिंग है 9 बजे से लेके 5 बजे तक, क्लोजिंग टाइम है 5 बजे, नाइट को किसी को रुकने नहीं देते। गाइस, हम सारा गांव देख के आगे अब जा रहे हैं वापस पीछे की साइड, मतलब ये काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी जगह में घेरा हुआ है, ये 1.5 किलोमीटर के समथिंग घेरा हुआ है ये अराउंड, और पैटर्न लोग काफ़ी आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट पैलेस के लिए बेस्ट है ये जगह। गाइस, दत्ता पार्टी
काम में कच्चा धागा और मेला फिल्म की शूटिंग हुई है और सीआईडी का मतलब एक सीआईडी का शो भी इधर शूट हुआ था। राजपूतों की शान राजस्थान का एक 10,000 लोगों का गांव जो एक रात में ही खाली हो गया। जी हां, राजस्थान के कुलधारा गांव की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा बनाया गया ये गांव एक हंसता खेलता कुशल गांव था, पर एक दिन जैसलमेर के राजा की नज़र गांव के किसी लड़की पर पड़ी, पर राजा की लाखों कोशिश के बाद भी वो राजा को ना मिली। आखिर में एक दिन राजा ने गांव वालों को धमकी दी, अगली पूर्णिमा की रात को अगर उससे वो लड़की नहीं तो वो सबको मार डालेगा। तो गांव वालों ने उस पूर्णिमा एक रात पहले गांव को छोड़ दिया और जाते जाते उस राजा को और गांव को शाप दे दी कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। और वही हुआ, आज तक जिसने भी कुलधारा की तरफ रात को फिल्म की शूटिंग हुई है और फर्क का फर्ज कर रखा है। मेला कुलधारा में जाम से पानी लेते थे, इसके नीचे जाने का भी रास्ता है, तो आपको नीचे लेके चलते हैं। हॉन्टेड प्लेस जो रातों रात भस्म हो गया था और जिनमें से कुलधारा गांव एक का 100 गांव एक साथ भस्म हुए थे जिसमें कुलधारा गांव एक का। फिलहाल तो इधर से निकलते हैं, आई होप यू एंजॉय दिस माय वीडियो। फिलहाल तो इधर से निकलता हूं और बैग इधर पड़े हैं और शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, बैग को टांग की हालत ख़राब हो गई है एकदम से। अब जाएंगे हम सेम डेजर्ट, इधर से अराउंड 10 किलोमीटर तो वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे डेजर्ट में सफारी, ऊँट सफारी करके आएंगे। ऊँट की सफारी मतलब आसपास के इलाका जहाँ पे घूमना होगा वहाँ पे घूमने आएंगे। उसके बाद में अराउंड 8 बजे 8 o'clock हम चले जाएंगे स्कूटी देने के लिए। उसके बाद में 1:30 1 बजे की समथिंग हमारी ट्रेन है, ट्रेन पे बैठ के सीधा बीकानेर की तरफ।